हमारी आज की रात पार्टी की रात है। ओहो, तुम पार्टी दे रहे हो? पार्टी मैं नहीं, सोडी देने वाला है। भाई सोडी को बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो अपनी खुशी हम सबके साथ बांटना चाहता है। तेरी वजह से मैंने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब तू अपना बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। तेरा कोई दूसरा प्रोग्राम लक्की हो गया है क्या? नहीं नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, मेरे एक दोस्त के पिताजी चल बसे तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वो मेरा है ना स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? हाँ अभिषेक बच्चन। अभिषेक बलवानी। नहीं, कौन है ये? मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ वही वही उसके पिताजी मिले थे, वो कह रहे थे कि आज रात हमारे घर पे आइए। क्या है, उनको उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है, तो उन्होंने मुझे खाने पे घर पे बुलाया, तो मैं वही पीकर खाऊंगा। मैं अभी जाऊंगा ना तो डायरेक्टली रात को 2 बजे के बाद आऊंगा। इतना लेट? एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगेगा वो मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि तुम चिंता मत करना, मेरे को लेट हो जाएगा। अरे बाप रे, 8 बज गए, पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है, अब तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, बड़ी दुविधा है, झूठ बोलने में भगवान जी से भी मदद नहीं ले सकता, क्या करूं? हे प्रभु। कोमल, कोमल। हाँ बोलो हंस, क्या हुआ? कोमल, मुझे एक पेशेंट को देखने उसके घर जाना है, उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने बोला कि मैं फीस के बदले खाना ही खा लूंगा, तुम्हें चलेगा ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या तुम भी हंस, अरे तुम उनको खाने के लिए मना कर दो। क्यों? अरे हंस मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी वो फ्रेंड डॉली है ना, उसके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उसने 7-स्टार होटल में पार्टी रखी है, अभी हमें वहीं जाना है। तुम जो चाहो जितना चाहो खा सकते हो। कुल मिलाकर कुछ 300 डिशेस है खाने में। अरे बाप रे, ये तो मैं धर्म संकट में आ गया, एक साथ में 2 जगह कैसे जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, सोडी को ही मना कर देता हूँ। नहीं नहीं हंस। क्या? मेरा मानना है ड्यूटी फर्स्ट, तुम पेशेंट देखने जाओ, 7-स्टार में मैं और गोली चले जाएंगे। हा? हाँ ये भी सही बात है, खाना तो ठीक है लेकिन असली मजा तो सोडी की पार्टी में ही आएगा, कितने दिनों बाद हम सब दोस्त मिलके खूब धमाल करेंगे। क्या सोच रहे हो हंस, पेशेंट देखने नहीं जाना? हाँ जाना है, अभी जाना है, 9 बजे का टाइम है, चलो मैं चलता हूँ। हंस तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम पेशेंट के यहाँ जा रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे कोमल? तो अपना स्टेथोस्कोप और बैग तो लेते जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं ले लेता हूं। मैं ले लाती हूं। अरे वाह रे डॉक्टर हंसराज आती, कोमल को बिल्कुल भी डाउट नहीं गया। अरे इतनी खुशी तो 7-स्टार होटल में 300 डिशेस खाने के बाद भी नहीं मिलेगी। लो। अरे हाँ हाँ, थैंक यू। यू वेलकम, एंजॉय। अरे हाँ थैंक यू, यू आल्सो एंजॉय। थैंक यू हंस, वेलकम, मैं चलता हूँ। ओके। अरे बाप रे, पार्टी में स्टेथोस्कोप और बैग लेके जाना पड़ेगा। बाय हंस। हाँ बोले मेहता साहब। अरे घड़ी देखो, 8:05 हो गए हैं। हाँ 8:30 मिलना याद है कि नहीं? अरे लेट मत करना जेठालाल, क्योंकि सोडी का कोई भरोसा नहीं है, लेट हो गए तो पार्टी कैंसिल भी कर सकता है। हाँ हाँ भाई याद है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक ओके ओके। तुम? हाँ मैं। छी 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 छी, पार्टी में जाने के लिए तुमने अपने दोस्त के पिताजी को मार डाला? नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं मारा है, वो तो मैंने पार्टी में जाने के लिए थोड़ा झूठा बहाना बनाया। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था, मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था।
अरे बेवकूफ मत बनो, बिना झूठ बोले भी तुम मुसीबत में फंसते रहते हो, तो जरा सोचो अभी झूठ बोल के तुम पकड़े गए तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे नहीं भाई नजर मत लगाओ, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, शुभ शुभ बोलो भाई। देखो मुश्किल से कभी कभार दोस्तों के साथ मजा करने का मौका मिलता है तो मजा करने दो ना भाई, देखते हैं कैसे मजे करते हो तुम। अरे बाप रे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कहते हैं ना हकारात्मक सोचो तो हकारात्मक ही होता है। हाँ चलो चलो अपना मूड ठीक करो, पार्टी में जा रहे हो। ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही। अरे नहीं नहीं, छोटी की पार्टी है तो कुछ पंजाबी गाना होना चाहिए। माहू 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 ढोलीड़ा ढोल बजा, मानू ही चलनी है, ही चलनी है जी, मानू ही चलनी है, ही चलनी है जी, मानू ही चलनी है। बल्ला 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 बल्ला। पानी पानी लाऊं? आओ दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही पता नहीं जरा खांसी आ गई। आप झगड़ा रहे हैं? तुझे बताया तो था दोस्त के पिताजी। हाँ तो आप स्मशान में ऐसे रंगीन कपड़े पहन के क्यों जा रहे हैं? दोस्त के पिताजी रंगीन मिजाज के थे ना, तो दोस्त ने खास कहा है कि हो सके तो रंगीन कपड़े पहन के ही आना। चल। अरे हाँ दे। वो मेरा दोस्त भिवंडी में रहता है, तो क्या है वहाँ से रात को आते आते शायद देर हो सकती है, तो चिंता मत करना, आप लोग सो जाना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो जल्दी चलता हूँ। All the best, तारक। Thank you. और सुनिए, जैसे ही बॉस से बात पूरी हो फटाफट मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं गुलाब जामुन रबड़ी लेके आ जाऊंगी। आने की कहाँ जरूरत है, मैं तो घर पे आऊंगा ना अंजलि, यहाँ आके खा लूंगा गुलाब जामुन रबड़ी। है ठीक है चलो। अरे जेठालाल रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ ना भाई। एक मिनट तारक, जेठा भाई भी आपके साथ बॉस के वहाँ आ रहे? नहीं ऐसा मैंने कब बोला। अरे अभी आपने कहा ना चलिए जेठालाल। हाँ वो तो जेठालाल भी बाहर जा रहा है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा रुको हम दोनों साथ चलते हैं वहाँ नाके पे जाके ऑटो ऑटो पकड़ लेंगे कुछ। अच्छा अच्छा ऐसा। हाँ चलो। अरे सुनी तारक। नहीं नहीं फोन नहीं करूंगा। अरे रे फोन करना भूलना मत। फोन है ना, चलो ना। हाँ बाय। हाँ बाय बाय भाई। चलो ये क्या, कहाँ जा रहे? बापूजी वो मैंने बताया था ना, वो मेरे एक दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनकी अंतिम यात्रा में जा रहा हूँ। अंतिम यात्रा में जा रहा है कि किसी पार्टी में जा रहा है? अरे अंतिम यात्रा में कोई ऐसे रंगीन कपड़े पहन के जाता है? बापूजी, मैंने भी टप्पू के पापा को यही पूछा, तो टप्पू के पापा ने कहा कि जिनका स्वर्गवास हुआ है वो बहुत रंगीन मिजाज के थे, इसलिए टप्पू के पापा ये रंगीन कपड़े पहन के जा रहे हैं। क्या बब्बू चक, कल को कोई भैंस के तबेले वाला गुजर जाएगा तो तू क्या भैंस पे बैठ के जाएगा? चल चल चुपचाप ऊपर चल और सफेद कपड़े पहन के जा। बापूजी टप्पू के पापा आइए, आपका सफेद कुर्ता पैजामा इस्त्री करके तैयार है। चपली ठीक है चाचा जी मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तेरे भी किसी दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया? नहीं 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 चाचा जी, मेरे दोस्त के तो सब पिताजी ठीक है, है? मतलब मेरे तो सब दोस्तों के सारे मतलब सब दोस्तों के पिताजी ठीक है। तो फिर कहाँ जा रहे है? मैं ऑफिस के काम से। इस वक्त आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। हाँ हाँ वो तरक्की की बात करने के लिए बॉस ने घर पे डिस्कशन करने के लिए बुलाया, इसलिए। किसकी तरक्की? मेरी मेरी तरक्की चाचा जी, मेरा प्रमोशन, शायद तनख्वाह बढ़ जाएगी। है? अरे वाह, तो अभी कितने मिलेगी पगार? आशीर्वाद मांग लिया। वो तो चाचा जी जाऊंगा तब पता चलेगा, बॉस बताएंगे, उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो बताएंगे, जाऊंगा तब पता चलेगा। हाँ
भगवान करे तेरी पगार दुगनी हो जाए। थैंक यू चाचा जी। हाँ जा जा भाग भाग भाग। हाँ आहो, आप गए नहीं अभी तक? वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि मैंने बाय नहीं किया। इश, काहे को भाई? बाय बाय। बाय। नीड्स आहो? हाँ हाँ। निकल निकल। All set, party animals? Yes, party bird. आशा करता हूँ आप में से किसी के घर पर किसी को शक नहीं हुआ होगा। इल्ले इल्ले। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे घर पे तो किसी को पता नहीं चला ना पोपटला? क्या बेटा था भाभी? इसके घर पर है कौन जो शक करेगा? अय्यर भाई? नहीं पोपटलाल, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा अगर जो शादी हुआ होता तो बीवी होता, और बीवी होता तो यक करता ना। अरे अय्यर भाई, इसकी शादी करा के इसकी आजादी क्यों छीन रहे हो भाई? अभी जंगल के शेर की तरह है, मस्त। हम लोगों को देखो सर्कस के शेर बन गए। घर में बीवी एक रिंग मास्टर, जैसा नचाती है वैसे कर्तव्य दिखाने पड़ते हैं। अरे भाई, मैं भी कर्तव्य दिखाना चाहता हूँ, पर पता नहीं मेरी रिंग मास्टर मुझे कब मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। देखो शायद किसी रिंग मास्टर का मैसेज हो। अरे भाई, सोड़ी का मैसेज है, वो पहुंच गया और पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं। तो वापस मैसेज करो ना कि हम आ रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं। जब जा ही रहे हैं तो मैसेज क्या करना। हाँ चलो चलो चलो। अरे चलो चलो, क्या जेठल का है अभी? उससे फोन करो, अभी आज भी लेट आ रहा है। अरे लेट नहीं भाई, मैं और जेठल घर से साथ ही निकले थे, लेकिन हुआ यूं कि आ गया भाई, आ गया मैं, आ गया जेठल। चलो। अरे भाई, ये क्या पहन लिया? हाँ ये क्या? अरे भाई, मजबूरी में पहनना पड़ा, छोड़ो ना, चलो अभी चलो चलो। पर ऐसा कैसा मजबूरी? अरे अय्यर भाई, हुआ ये है कि हम दोनों घर से साथ निकले। इसलिए जेठालाल को ये कपड़े पहनने पड़े। जेठा भाई, मेरी भी हालत आपके जैसी है, मुझे भी मजबूरी में घर से बैग लेके निकलना पड़ा। देवा, हम सब ने घर पे भर भर के झूठ बोला है, हमें माफ कर देना। अरे भाई, वापस सूडी का मैसेज। अरे भाई, उसके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। हाँ तो, अरे बड़ा, ओहो, 9 तो इधर ही बज गए, हमें 9 बजे पहुंचना था वहां पे। चलो भाई, टैक्सी टैक्सी। ओए, पहुंच गए मुंबई। ओ पाजी, अब कहाँ जाना है? ओ, मैंने जस्सी को काम पे लगा दिया है। रोशन सिंह सोडी का पता करते ही वो मुझे फोन करेगा और वहीं पे उसे दर्द पहुंचेंगे। ओ मेरा तो नहीं है। ओ पाजी, मेरा भी नहीं बज रहा है। ओ यार, फिर मेरा ही होगा, जस्सी है। हाँ जस्सी, बोल। क्या रोशन सिंह सोडी का पता चल गया? कहाँ पे? नशीला ढाबा। ठीक है, तू रोशन सिंह सोडी पे नजर रख, हम अभी पहुंचते। ओ मुंडियो, हमारा शिकार नशीला ढाबा पे है, तो चलो फिर उठा लेते हैं। चलो। नशीला ढाबा। जस्सी, पहुंच गए हम यहां। ठीक है, आ रहा है जस्सी।
जसी। ओए किथे है रोशन सिंह सोडी? ओ पाजी वो अंदर है। ओ चलो। पार्टी करेंगे। अरे यार भाई, इसको नीचे रखे ना बुके को, गोद में पकड़ के क्यों बैठे? बुके बिगड़ना भी नहीं चाहिए बेबी साइज का। आज तो नशीले ढाबे की दुनिया हिला दी गया। सही बात है, मैं तो सारी की सारी डिशेस टेस्ट करने वाला हूँ, एक भी डिश नहीं छोड़ूंगा, सब खाऊंगा। अरे भाई ये ड्राइवर तो बहुत धीमंत है भाई। अरे भाई जरा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब, अगर स्पीड से चलोगे तो हम लोग सुबह पहुंचेंगे वहाँ, फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, उसमें पहुँचने का क्या फायदा? तेज चलाओ भाई, तेज चलाओ थोड़ा। आराम से रावी साहब, आराम से। मेहता साहब, पति गई संकटत नहीं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, संकट आ जाएगा, आराम से जाते हैं ना। भाई तो गोकुलधाम सोसाइटी का नोटिस बोर्ड पे सुवाक्य लिखता है उतना कम था, तो इधर भी चालू हो गया। जेठालाल, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, तोंडावरती हाथ ठेव आणि गप चुप बैठ। अरे ड्राइवर साहब, वो गाड़ी स्लो चल रहा है तो तुम क्यों स्लो चला रहे हो? तुम तो फास्ट चला। अरे अय्यर भाई, वो तो गाड़ी फास्ट ही चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी में वजन ज्यादा है। कहाँ है रोशन सिंह सोडी? ओ पाजी इत्थे ही सी, पता नहीं कहाँ चला गया। ओए आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। ओ सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। नशीले ढाबे में आपका स्वागत है, बताइए जनाब क्या लेंगे आप? वो एक फुल रोशन सिंह सोडी चाहिए, मिलेगा? सॉरी सर, ये चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती। ओए छाड़ फिर। हैव अ नाइस डे सर। ओए ढूंढो कहाँ है रोशन सिंह। ओए वो रहा रोशन सिंह सोडी, चलो उठा लेते हैं उसे, चला। वहां देखिए, मुझे लगता है वहां पे कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है, वो आपस का मामला है, जाओ तुम दूसरे कस्टमर पर ध्यान दो। ओके सर। कहानी में खतरनाक मोड़, कुछ अनजान लोगों ने सोडी को उठा लिया है। आखिर कौन लोग हैं ये? जिन लोगों ने सोडी को गायब किया उनका इरादा क्या है? भाई हम सारे के सारे लोग पार्टी करने के लिए आ गए हैं, लेकिन यजमान खुद ही गायब है। भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, और क्या होगा जब गोकुलधाम निवासियों को ये चीज पता चलेगी? भाई जिंदगी में मजा कब सजा बन जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन आप लोगों को क्या है, आपके तो मजे हैं, हम जितना फंसेंगे आप उतना ही हंसेंगे। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या जानने के लिए? अरे भाई ये जानने के लिए
कि कौन लोग हैं ये जो सोड़ी को उठा के ले गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।